अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया। अरे दया, चाय ला जल्दी। लाई लाई। अरे क्या लाई लाई, मैंने सुबह बोला ना तुझे, मुझे आज दुकान जल्दी जाना है। लाई लाई, बस दो मिनट। अरे भाई क्या दो मिनट, एक तो दुकान जाने का लेट हो रहा है, अब ये दो दो मिनट करके कितना टाइम खोटी होता है। अरे दया, तैयारी है, ये लीजिए। सॉरी हूँ, थोड़ा लेट हो गया। अरे चाय गरम है। अरे तो इतनी उकड़ती चाय देने की क्या जरूरत थी दया, तुझे पता है तो लेट हो रहा है, अभी यह चाय को फूंक मार मार के ठंडा करने में और टाइम खोटी होगा। एक सेकंड। क्या कर रही है तू? बस अभी फटाफट चाय ठंडी हो जाएगी। ओ, हो गई। लीजिए, पी लीजिए। अरे क्या पी लीजिए? अच्छा थाली में कोई चाय पीता है? हाँ पीता है ना। चल चल अबे। अरे टप्पू के पापा, हमारी बॉय में मनीषा काकी के पीयूष काका है ना, वो तो बचपन से थाली में ही चाय पीते हैं। और दाल भात साग रोटली क्या कपर का भी में खाते हैं? लीजिए पीजिए। अरे भाई मैं ऐसा चाय नहीं पी सकता, तू मुझे वापस कप में डाल के दे। टप्पू के पापा, जीवन में नए नए अनुभव करने चाहिए तो क्या है, जीवन रसप्रद हो जाता है। चलिए हाँ, ये लीजिए ठंडी चाय, मतलब ठंडी गरम चाय। हेलो, बोलिए बोलिए शांताराम भाई, कैसी चल रही है आपकी श्रीडी वाली होटल? क्या बात कर रहे हो, एक और होटल खोली श्रीडी में? मुबारक हो मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, अरे कहना पड़ेगा भाई, साईं बाबा की असीम कृपा है आपके ऊपर। हेलो, हाँ संतराम भाई, हाँ सॉरी सॉरी, क्या क्या बोल रहे थे आप? नई होटल की ओपनिंग कभी है? दशहरा को? अरे सब हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, आप एक काम कीजिए, मैं अभी घर पे हूँ, दुकान जा ही रहा हूँ, तो आप एक जरा दुकान में फोन करके नट्टू काका को पूरा ऑर्डर लिखवा दीजिए। हाँ LCD फ्रिज बीज जितना चाहिए सब मिल जाएगा, मैं दो तीन दिन में डिलीवरी करवा के सब फिटिंग विटिंग भी करवा दूंगा, ठीक है? अरे भाई मैंने पेमेंट मांगा, आपका पेमेंट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जैसा है, जब मर्जी रोकड़ा करा लो। है हाँ नहीं नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं, और आप भी फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, दया मुझे लगता है इस बार की नवरात्रि जबरदस्त जाएगी। अरे टप्पू के पापा, माता जी के आशीर्वाद से नवरात्रि क्या दिवाली भी अच्छी रहेगी। अरे वाह वाह दया, तेरे मुंह में घी शक्कर। चल चल मैं निकलूं, एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से अभी ये शांताराम भाई के ऑर्डर का बंदोबस्त करना है। हाँ, चलो हाँ मैं निकलता हूँ। निकलिए निकलिए, मुझे भी घर का सारा काम निपटा के सोडी पे यहाँ मीटिंग में जाना है। सोडी और तू किस बात के लिए मीटिंग कर रहे? अरे मैं और सोडी भाई क्या मीटिंग करेंगे, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। दरअसल सोडी भाई के यहाँ हम सब लेडीज मिलने वाली है, वो वैसे नवरात्रि शुरू होने वाली है ना, तो उसकी तैयारी के लिए। दया इस बार के नवरात्रि की ऐसी जोरदार तैयारी करना कि गोकुलधाम सोसाइटी के नवरात्रि लोग देखते रह जाए। थैंक यू दया भाभी, गरबे का वार्म अप करके मजा आ गया एकदम। वैसे मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना इस बार हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि एकदम अलग स्टाइल से मनाएं। अरे कोमल भाभी, इस बार हटके करते हैं ना। उसको क्यों कि अगर इस बार नवरात्रि में कुछ हटके करना है तो मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? इस बार नवरात्रि के लिए डीजे को बुलाएं। अरे वाह, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम लोग ने हमारे सोसाइटी के नवरात्रि में
आज तक कभी डीजे नहीं बुलाया। हाँ। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ नवरात्रि में फाल्गुनी बहन आए हैं, जॉन भाई, अब्राहम भाई है, लेकिन डीजे भाई नहीं आए हैं। हाँ। लेकिन ये डीजे भाई है कौन? अरे नया भाभी, डीजे मतलब डिस्क जॉकी, वो हम डिस्को में जाते हैं, वहाँ पे म्यूजिक बजाता है ना वो ऐसे ऐसे करके। हाँ देव भाभी, आजकल काफी सोसाइटी में डीजे बुला के डिस्को गरबा खेलते। अरे हाँ, गुड आइडिया रोशन भाभी, डिस्को के ताल पे डांडिया खेलने का अलग मजा आएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, टप्पू सेना को बोल के डीजे वाले को बुला लेते हैं। नहीं हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन मेरा एक विचार है, डीजे भाई आएंगे तो उनके म्यूजिक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी कि इस बार हम लोग एकदम देसी ढंग से एकदम पारंपरिक तरीके से गरबा का उत्सव मनाए, तो मतलब ढोल सहनाई, उसके साथ माता जी की आरती करे और गरबा खेले, तो मजा आ जाएगा। हाँ एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया है ना। मस्त। हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, नवरात्रि है और माता जी के गरबे पारंपरिक पद्धति से करे, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और इस सहनाई ढोल में गरबा करने का मजा आ जाएगा, है ना? आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, हम डिस्को करें या पारंपरिक स्टाइल से करें, एंजॉय करना है और साथ में गरबा खेलना है। तो ये तय रहा, नवरात्रि पद्धति सर करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, संदे वीरा को फोन करके कह देती हूँ कि अहमदाबाद से हम सब के लिए एकदम पारंपरिक ढब के कपड़े भेजे। लेकिन हाँ, जो भी पैसे होंगे आपको लेने पड़ेंगे। हाँ, दया भाभी है आए। हाँ ठीक है बाबा, वो हम बाद में देख लेंगे। चलो अभी कपड़े का तो हो गया, लेकिन अब सहने वाले और ढोल वाले को बुलाना बाकी है। तो टेंशन किस बात की, अपने भिड़े भाई है ना। अगो भाई, इनको ढोल और सहनाई बजाना नहीं आता है? अरे माधवी भाभी, मेरे कहने का मतलब है उनके पास होंगे ना कॉन्टैक्ट्स, किसी के कार्ड्स होंगे ना डेकोरेशन वाले। हाँ असो, काय को भाई, मैं तो डर गई। सॉरी हाँ कोमल भाभी, हाँ इनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये अरेंज कर देंगे नक्की। हाँ बराबर है, ये काम धीरे भाई को ही करने दीजिए, वो भावतल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल एकमेव सेक्रेटरी जो है। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो फिर से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। माधवी सुबह तो अर्जेंट डिलीवरी करके आया ना मैं, अभी कौन सी अर्जेंट डिलीवरी बाकी है? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे बच्चों के एग्जाम पेपर सेट करने, तो डोंट डिस्टर्ब। हो गया आपका? नहीं ना, बाकी है, चार चार पेपर सेट करने हैं मुझे। अहो बोल के हो गया आपका? हाँ। मैं बोलूं? हाँ। क्या बोलने वाली थी मैं? हम लोगों की अभी लेडीज मीटिंग थी ना नवरात्रि मनाने के लिए, तो दया भाभी ने मस्त आइडिया दिया है नवरात्रि मनाने का। अरे वाह, कौन सा मस्त आइडिया है? आइडिया ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार पारंपरिक पद्धति से नवरात्रि मनानी है, मतलब ढोल और शहनाई के साथ। अरे वाह, मतलब थोड़ क्या हमारे जमाने की तरह मनानी है ना। हाँ। लेकिन इसमें मुझे क्या अर्जेंट काम करना है? आपको ढोल और शहनाई वाले को बुक करना है। मैं कैसे बुक करूँ माधवी, मेरे पास किसी भी ढोल और शहनाई वाले का कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ जेठाल के पास होगा, तुम दया भाई को बोलो कि जेठाल को बोल दे। दया भाभी अकेले कितनी जिम्मेदारी लगी, अब कपड़ों की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली है, सुंदर भाई को बोल के हमारे लिए कपड़े मंगवाने वाले अहमदाबाद से। वाह शाबाश, लेकिन मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है माधवी। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम आपके पास होंगे ना ढोल और शहनाई वाले के कॉन्टेक्ट? मेरे पास नहीं है माधवी कॉन्टेक्ट, अभी उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए मुझे जेठाल को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वो सब मैं नहीं जानती, वो आप जानो और आप जानो। ठीक है भाई, मैं कांटेक्ट करूंगा लेकिन बाद में, अभी मुझे बच्चों के पेपर सेट करने। ओके ठीक है, आप पेपर सेट कीजिए, मैं आपका दिमाग सेट करती हूँ। माधवी वो दिमाग सेट करती हूँ मतलब आपके लिए मस्त पिकी मसाला चाय बनाती हूँ। असो बनो बनो, लो कर लो। फटाफट फटाफट
एक मिनट, लगता है किसी का फोन है। माय डियर बेना का फोन है। एक मिनट। हेलो बेना, कैसी हो तू? हैप्पी नवरात्रि। वीरा, तुम्हें भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मजे में हूँ, तू कैसा है? अरे बेना, मैं तो एकदम होलसेल में मजे में हूँ। अरे माँ भी एकदम मजे में ही है। अरे वो तो अपने जमकुड़ी महिला मंडल के साथ नवरात्रि की तैयारियों में लगी हुई है। ओहो। बेना, तू एक काम करना, इस बार नवरात्रि एंजॉय करने के लिए माइडी जीजाजी को लेकर अहमदाबाद आ जाना। अरे वीरा, मेरा भी बहुत ही मन है, लेकिन लेकिन क्या माइडी जीजाजी मना कर रहे हैं? मैं अब भी उनको डांटता हूँ। नहीं 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 वीरा, तुम्हारे जीजाजी मना नहीं कर रहे हैं। बस तो बेना, माय डियर जीजाजी को लेकर तुम अहमदाबाद आ जाओ। माय डियर जीजाजी अहमदाबाद की नवरात्रि की जाग जमर देखते एकदम पागल हो जाएंगे। बेना, हम दोनों पूरी रात राजपी ओन रमझट जमाएंगे। अरे कुल में जा जाकर माता जी के दर्शन करेंगे। बेना तुझे बताए ना, पुराने अहमदाबाद में शेरी गरबा देखने की मजा ही कुछ और है। अरे बेना, तू हुकुम कर, हुकुम बोल, क्या काम है बेना? वीरा, हम गोकुल धाम सोसाइटी की सभी लेडीज के लिए मस्त मस्त उम्दा वाली चनिया चोली और जेंटस लोगों के लिए केड़िया चोली और वो जो सब कपड़े होते हैं वो सब भेजने हैं, और वो भी कल के कल। वीरा, भेज सकोगे? अरे बेना, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अपने नवरात्रि मार्केट जाकर कपड़े खरीद कर अपने दोस्त के साथ हाथों हाथ सब कपड़े कल तक तुझे मैं मुंबई पहुंचा दूंगा। बस अभी फोन रख, मैं फटाफट नवरात्रि मार्केट पहुंचता हूं। थैंक यू हीरा, जय अंबे। जय अंबे बेना, चल बेना फटाफट नवरात्रि मार्केट ले ले, चल फटाफट। हां बगा, स्टॉक चेक हो गया? हां सेठ जी। हां, क्या-क्या है स्टॉक में? हमारे पास स्टॉक में 20 एलसीडी, 15 फ्रिज, 12 वॉशिंग मशीन और 6 टेम्पो। टेम्पो? टेम्पो कहां से है? मैंने मंगवाए। क्यों? डिलीवरी करवाने। बस तो फटाफट जितना भी माल है अभी के अभी और शिरडी शांताराम भाई को उधर भिजवा दो और फिटिंग बिटिंग भी चालू करवा दो। जी सेठ जी। और बाकी का माल? बाकी का माल अपने भिवंडी वाले पटेल भैया ने, उनको बोलो कि उनके गोडाउन से डायरेक्ट उधर भेज दे शिरडी। जी ठीक है, चलो 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 जल्दी। और कुछ सेठ जी? और हाँ, और एक चीज का बंदोबस्त करो। क्या सेठ जी? मसाले वाली चाय। वो भी शिरडी भेजनी है। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, आपको एक खुशखबर देनी है। अच्छा बोल बोल बोल। हम लेडीज लोगों की अभी नवरात्रि के बारे में मीटिंग थी ना, तो मैंने एक मस्त आइडिया दिया। मैंने कहा कि इस बार हम लोग हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में देसी ढप से, मतलब वो सहनाई और ढोल के ताल पे एकदम पारंपरिक तरीके से नवरात्रि मनाए। तो और पता है टप्पू के पापा, सब लेडीज मान गए। अरे वाह दया, जबरदस्त आइडिया दिया तूने। अरे देसी दब में ढोल और सहनाई के साथ नवरात्रि मनाने का तो मजा ही कुछ और है। है ना, तो मेरे सुंदर वीरा को फाइन करके हम सब लेडीज के लिए चनिया चोली और आप सब जेंटल्स के लिए केड़िया और चोइनी मंगवा लिए है। दया तूने अहमदाबाद फोन करके सुंदर से सारे कपड़े मंगवाए। अरे ये तूने क्या किया दया? क्यों, क्या हुआ? सुंदर इतनी जल्दी वहाँ से कपड़े नहीं भेज पाएगा। अरे टप्पू के पापा, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा सुंदर वीरा ना कर सके। अरे भाई तू कुछ भी बोल, मुझे तेरा सुंदर वीरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या मेरा मतलब है, अभी नवरात्रि में उधर वो बिजी होगा, वो नहीं भेज पाएगा कपड़े। और अगर वो कपड़े नहीं भेज पाया ना तो हमारी नवरात्रि बिगड़ जाएगी। अरे नहीं बिगड़ेगी, कल के कल वो सारे कपड़े अपने किसी दोस्त के साथ हाथों हाथ भिजवाने वाला है। टप्पू के पापा आप देखना,
मेरा सुंदर वीरा इस बार हमारे गोकुल धाम की नवरात्रि में 4 चांद लगा देगा। ओके बाय। दया को कौन समझाए सुंदर 4 चांद नहीं लगाएगा, मेरे सर पे 4 गुना टेंशन लाद देगा। अगर सुंदर ने कोई गड़बड़ की जो वो हमेशा करता ही है तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलके मेरे सर पे डांडिया खेलेंगे। छान पेपर सेट झाला, चहा पिऊन झाला, आता जेठालाल को फोन करना है, एक ढोल बजाने वाले को बुक करना है ना। जेठालाल जे 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 हाँ बेटा बोल क्या हुआ। हाँ जेठालाल कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अरे बता है भाई उसमें फोन करके बता क्या रहा है। जेठालाल नवरात्रि शुरू हुई है ये बताने के लिए फोन नहीं किया मैंने। ओ अच्छा अच्छा तो क्या बताने के लिए फोन किया है आपने। नवरात्रि में ढोल और शहनाई बजाने वालों को बुक करना है। तो करो मेरी इजाजत है। ऐकूनच घेत नाही हा। ऐकावा भाई ऐकावा। तो सुनो मेरी पहचान में कोई भी ढोल और शहनाई बजाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी पहचान में कोई है तो मुझे नंबर दे दो, मैं बुक कर देता हूँ। नहीं भाई मेरी पहचान में भी कोई ढोल शहनाई बजाने वाला है नहीं। लेकिन एक मिनट ये बागा से बात करो, उसके पहचान में कोई ना कोई निकल आएगा। हाँ अपना बागा सर्च इंजिन है, उसके पास जरूर होगा। ओ भिड़े बोलिए भिड़े भाई। ये भाई हाथ में पकड़ के बात करना है। सॉरी सेठ जी। बोलिए भिड़े भाई हुक्म कीजिए। हाँ बागा गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि के लिए ना ढोल और शहनाई बजाने वाले को बुक करना है, तो तुम्हारी पहचान में है कोई। ओ एक काम कीजिए मैं आपको पप्पन पान वाले का नंबर देता हूँ। पप्पन पान वाला? अच्छा मतलब दिन भर पान बनाता है रात को ढोल बजाता है। नहीं नहीं भिड़े भाई ये पप्पन पान वाला ढोल बजाने वालों का अड्डा है। नवरात्रि की सीजन में जितने भी ढोली और शहनाई बजाने वाले कच्छ से मुंबई आते हैं वो सब इस पप्पन पान वाले के यहाँ खड़े रहते हैं। मैं आपको उस पप्पन पान वाले का नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ फोन करके किसी भी ढोल बजाने वाले को आँख बंद करके बुक करवा लीजिए। अरे वाह क्या बात है, तो बागा जल्द से जल्द मुझे पप्पन पान वाले का नंबर दे, मैं फटाक से बुक कर देता हूँ। जी लिखिए पप्पन पान वाले का लैंडलाइन नंबर है 9 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
और यहाँ पे जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल है, लेकिन इस माहौल के पीछे डबल टेंशन है। एक टेंशन तो ये कि अगर सुंदर ने अहमदाबाद से नवरात्रि के कपड़े भेजने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आप जानते हैं फिर यहाँ क्या हो सकता है। और दूसरा टेंशन ये कि अगर भिड़े ने ढोल बजाने वालों को बुक करने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आप जानते हैं फिर यहाँ ढोल बजे ना बजे लेकिन टेंशन की डांडियां जरूर बजने लगे। एक खास बात और, इस रविवार को विजयादशमी यानी कि दशहरा है। हमारे गोकुलधाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दशहरे की ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर करे इस दशहरे के दिन रावण के साथ साथ इस देश में जो नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, वो भी जल जाए और प्रेम की और स्नेह की एक नई रोशनी प्रज्वलित। और हाँ, एक खास बात और, कल से आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे ठीक रात 8 बजे एक नया गेम शो शुरू होने जा रहा है, सब खेलो सब जीतो। हल्के फुल्के गेम्स और भारी भरकम इनाम शनिवार और रविवार की रात 8 बजे, सब खेलो सब जीतो। और 9 बजे वाह क्या बात है, आप देखना नहीं भूलेंगे मैं जानता हूँ। लेकिन इस वक्त आपको एक विशेष सूचना मैं देने जा रहा हूँ, हालांकि है तो सस्पेंस लेकिन बता देता हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इस नवरात्रि में सुपरस्टार स्टार अक्षय कुमार डांडिया खेलने आ रहे हैं। भाई आप कहेंगे सस्पेंस तो आपने खोल दिया, ना ऐसे नहीं आ तो रहे लेकिन किस तरह से आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।